अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हमने किया था ये पोलर ट्रैकिंग ऑन की थी। अब देखो 30, 60, 90, 120, ठीक है। एनोटेशन कौन यूज कर रहा है? एनोटेशन मत यूज करो। ठीक है, अब देखो तो पोलर ट्रैकिंग में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब मैं क्या करता हूँ, यूज 30, 60, 90, 120। अब लाइन लिया मैंने, तो ये देखो ग्रीन लाइन तभी आएगी जब आपका ये 90 पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, इधर को भी 30 पे। तो 30, 30 का जब जो गैप होगा वहां पे वो ट्रैक करेगा। ठीक है, तो ये आपकी पोलर ट्रैकिंग है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका जो है, ये आपका आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के लिए है, तो ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे होते हो, जैसे कि मैं ये लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज अब मैंने ये बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो लाइन है इसके सीध में मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिल जाए। देखो इसके सीध में यहाँ पे पॉइंट मिले मुझे, ताकि मैं यहाँ पे इसके बराबर की एक लाइन बना पाऊँ। तो ये जो ट्रैक दिखा रहा है, ये चीज होती है आपकी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब देखो मैंने इसको ट्रैक किया था, तो यहाँ पे आपके सामने जैसे ही मैं इसको ट्रैक करूंगा तो एक ग्रीन कलर की लाइट आ जाएगी, और अब अगर मैं इधर देखूंगा तो ये सेम लाइन है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसको भी मुझे ट्रैक करना है, तो हम इस तरह से ट्रैक करते हैं। उस पॉइंट को कर लो पहले ट्रैक, अब देखो यहाँ से मेरे को इसको ट्रैक करना है, तो पहले उस पॉइंट पे लेके जाओ और आपको यहाँ पे वो पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। ये देखो मिल रहा है, वहां पे जाके क्लिक कर दो, आपका ट्रैक हो जाएगा। ये देखो यहाँ जैसे यहाँ पे भी ट्रैक कर रहा है। तो ये वाली चीज जो होती है ये आपकी इससे आती है। अगर मैं इसको बंद करके करूंगा, ये स्नैप कर सकते हो, 2D रेफरेंस पॉइंट भी ऑन है। ये है, इस चीज से आपकी ट्रैक होगी, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके लिए F3 शॉर्टकट है। अब F3 ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है, जैसे आप इसके साथ वाला एरो आप करेंगे ऊपर, देखो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने पॉइंट्स आ जाएंगे। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरेक्शन। तो ये क्या करता है, ये उन पॉइंट को ट्रैक करेगा जो आपके यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे जैसे आपका सर्कल है सपोज, तो सर्कल में क्या दे रखा है इसमें, सेंटर पॉइंट और एक होता है क्वाड्रेंट पॉइंट। अभी भी क्वाड्रेंट पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया है तो उसके चार पॉइंट होते हैं कॉर्नर्स के, चारों कॉर्नर के जो पॉइंट होते हैं उनको क्वाड्रेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तभी देखो जैसे ही मैं कोई और लाइन लेता हूँ या और कोई कमांड लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल का सेंटर ऑटोमेटिकली शो करता है। ये किसकी वजह से शो करता है, ये इसी की वजह से शो करता है। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं लाइन लेके जाऊंगा, तो देखो नहीं आ रहा सेंटर, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई पॉइंट नहीं आ रहा। उसी तरह कोई ना यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें ऑन करूंगा, क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन करता हूँ, फिर अगर मैं जाऊंगा ये देखो अपर क्वाड्रेंट पॉइंट आ गया, 0 डिग्री वाला आ गया, 270 वाला आ गया और 180 वाला आ गया। तो चारों क्वाड्रेंट पॉइंट जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको दिखना चाहिए, कौन, जैसे मुझे लाइन में मिड पॉइंट नहीं देखना है कि मेरे लाइन का मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली ना आए। लाइन बनाते टाइम अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मिड पॉइंट देखो बीच में कहीं पे भी नहीं, पूरी लाइन पे कहीं पे भी बीच में आपका मिड पॉइंट नहीं है, किसी भी लाइन में नहीं है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो
अब देखो ये ट्रायंगल जो है वो है मिड पॉइंट का, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके, ये देखो हर लाइन पे मिड पॉइंट आएगा। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑटोमेटिकली आपकी जो कमांड है वो स्नैप कर जाए, या ड्राइंग कमांड में ही ज्यादातर ये यूज होता है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको स्नैप कर लेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, एक्सटेंशन पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, या फिर टेंजेंट पॉइंट है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है जो ट्रैक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके इनको बंद भी कर सकते हो, जैसे एक्सटेंशन मैंने बंद किया हुआ है, या सिलेक्ट ऑल करके पूरे को ऑन कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो था वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, शो लाइन वेट। ये कब यूज होगा कि अगर सपोज आपका किसी पर्टिकुलर ड्राइंग में या किसी कंपोनेंट में आपका लाइन वेट जो है, ये वाली दूसरी वाली चीज, इसमें आपने दे रखा है ऑलरेडी, अब देखो ऐसे तो नहीं दिखेगा, तो उसके लिए मुझे ये ऑन करना पड़ेगा, तब दिखेगी वो आपका थिकनेस, जो सर्कल की एक्चुअल थिकनेस है वो यहाँ पे दिखेगी आपको, उसके लिए ये ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया 40, और फिर मैं लाइन लगा देता हूँ, तो वो उतने की लाइन मेरे को बनती हुई दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो नहीं दिखेगी, फिर नॉर्मली दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो लाइन, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी, ये भी मैंने आपको बता दिया था जब हम लेयर कर रहे थे, तो किसी अगर सॉलिड बॉडी को आपने ट्रांसपेरेंटली शो करना है तब आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट जो है वो है सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन साइकिलिंग क्या करता है? सिलेक्शन साइकिलिंग बेसिकली करता है आपका कि अगर ये चीज ऑन है तो फिर आप किसी चीज को जब सिलेक्ट करते हो तो एक के ऊपर एक अगर दो चीजें चढ़ी हुई हैं, सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ इसके ऊपर ये दोनों लाइन है, ऐसे करके दो लाइन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे दो लाइन है? अगर मैं इसको बंद रखूंगा तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, या फिर मैंने वही लाइन सिलेक्ट करनी होगी, ये नहीं करनी होगी, तो कैसे सिलेक्ट करोगे? तो उसके लिए होता है सिलेक्शन साइकिल, मतलब एक ही पॉइंट पे अगर आपने एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये ऑन करना है, ये ऑन करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो जैसे आप इसके लाइन के ऊपर लेके जाओगे वहां पे साइड में एक निशान आ जाता है कॉपी वाला, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे वो सिलेक्शन में पूछ लेगा कि कौन सी चीज सिलेक्ट करना चाहते हो, देखो दोनों हाईलाइट हो गए, एक छोटी लाइन है एक बड़ी, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो कितनी सारी लाइन है, यहाँ पे ये वाली करना चाहते हो चूज, या ये वाली नीचे वाली यूज करना चाहते हो, या ये वाली यूज करना चाहते हो, या ये वाली, तो यहाँ पे चार हमारे पास लाइन दिखा रहा है, तो जो भी आपने चूज करनी है आप क्लिक करो वो चूज, ठीक है। अदरवाइज हमें ये वाली चीज यहाँ से चूज करने में दिक्कत आती है, फिर हम अलग से यहाँ से चूज करते हैं। ये वाली हमारी आती है यूज जब आपकी ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर एक लाइन या फिर कुछ चीजें ओवरलैप कर रही है, तब हम सिलेक्शन साइकिलिंग का यूज करके उसको अलग अलग को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको सिलेक्शन साइकिलिंग कहा जाता है, उसमें सारे के सारे चीजें जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो कि हमारी है, इसके बारे में जान लेते हैं, यूसीएस। यूसीएस इसको बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी हमें दो ही लाइन दिख रही है, अगर मेरे को ये तीनों देखनी है तो हम इस तरह से देखेंगे इसको, तो देखो Z एक्सिस भी आपको दिखेगी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, टॉप व्यू देखना है यार, जब भी आप काम करोगे टॉप व्यू में ही करते हैं, जो कि एक्स वाई प्लेन होता है। अब देखो इसके लिए जैसे मैंने ये सर्कल लिया, अब मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ला सकता हूँ, तो जैसे ही अगर मैं कोऑर्डिनेट में देखूंगा तो अब चीजें क्या हो जाएंगी इसकी, ये चीज मेरी जीरो जीरो हो जाएगी,
बड़ा सर्कल लगा हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, छोड़ो छोटा का, ठीक है, इतना छोटा किया है मैंने, इसको मैं उठा के इसको यहाँ पे डाल, तो जहां पे भी आप उठा के रखोगे वो पॉइंट आपका 0 0 हो जाएगा। देखो तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रख के रखोगे और आपका अपनी ड्राइंग को ही वहां पे 0 0 लेके जाना पड़ेगा। आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, आप उसी चीज को उठा के भी वो उधर ले जा सकते हो। ये सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसको क्लिक करो। अब देखो इसमें एक ऑप्शन होता है वर्ल्ड का, देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये वर्ल्ड क्या होती है, ये वर्ल्ड एक्चुअल यूसीएस होती है इसकी, ऑटोकैड की एक्चुअल मतलब जो ऑटो डिफॉल्ट बना के रखी हुई है, उससे ये कितनी दूर जा रही है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। तो मैं वर्ल्ड करूंगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे ये पहले थी वहां पे चली जाएगी। इसको मैं कितनी बार उठा के इधर उधर कर लूँ, लेकिन वो जो वर्ल्ड वाला ऑप्शन है वो आपका उसको वहीं पे वापस लेके आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी एक यूसीएस जो है वो इधर उधर जा सकती है, लेकिन हमारी एक वर्ल्ड यूसीएस होती है जो कि अपनी जगह नहीं छोड़ती है, वो वहीं पे रहती है। ये एक और बना देता है उसके साथ, उसके रिस्पेक्ट में उसको हाइड करके इसके रिस्पेक्ट में एक और बना देता है, लेकिन एक्चुअल में ये वहीं पे रहती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ और रहती हैं कमांड, वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। और फिर आपका एक ब्लॉक वाला सिस्टम रहता है, यहाँ पे ब्लॉक वाली है। उसके बाद एक चीज मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने इसमें 3D सीखनी है या नहीं सीखनी है, क्योंकि हमारे पास CNC भी अभी हमने करना है, तो CNC के लिए भी हमें थोड़े बहुत दिन चाहिए होंगे। तो आप मेरे को बताओ 3D अगर करना चाहते हो तो हम 3D का भी एक बेसिक सा लेक्चर जो है वो इसमें डाल देंगे, वो वाला करा देंगे इसके बाद, क्योंकि आपका 3D हो जाएगा लगभग स्टार्ट थोड़े एक दो दिन में। तो आप मेरे को बताओ कि आप 3D करना चाहते हो या CNC ज्यादा 3D करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक दो दिन में आपका एक 3D का लेक्चर रखेंगे, 2D और 3D कैसे जाया जाता है और 2D और 3D में फर्क क्या है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तभी आप कल को अगर आपने कोई 3D सॉफ्टवेयर करने होंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी कमांड किसकी कमांड यूज होती है उसमें। तो हम 3D भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे उसकी। हम क्या करते हैं कि आज कितनी तारीख है, 17 तारीख है, हम ले चलते हैं इसको 20 तारीख तक ले चलते हैं ऑटोकैड को, उसके बाद फिर CNC स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम 3D भी कवर अप कर लेंगे, और 3D की लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होगी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मांगती है 3D इसकी। 3D थोड़ी सी आपको कुछ कंसेप्ट है, जो ये UCS जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने ये रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझे बता देना। और ड्राइंग्स वो वाली करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तभी इसके ऊपर ज्यादा पकड़ पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो मैं आज बची जो ड्राइंग है हमारे पास, ये 2D की ही ड्राइंग है यहाँ पे हमारे पास जो बची हुई है, तो मैं वो भी डाल दूंगा। आपकी लगभग इतनी कमांड्स हो चुकी हैं जिसमें आप इसको कर पाओ, जो मैक्सिमम कमांड है आपकी जो 2D के लिए यूज होती है बनाने के लिए किसी भी ड्राइंग को, वो हमने लगभग कर रखी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं ये बाकी कितनी डाली थी, मैंने 16 तक डाली थी आई थिंक, तो 18-25 भी डाल दूंगा, तो आप उसको कर लेना, प्रैक्टिस जरूर करनी है। सर 24 तक डाल दी थी, डाल दिया 24 तक लास्ट की ये जो है आपके सामने, ये भी मैं डाल दूंगा। ये थोड़ी सी इसके अंदर 2-3 ड्राइंग है, इसमें 6 ड्राइंग है, इसमें भी ये है, ये भी डाल दूंगा। उसके बाद हम 3D पे ही जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अब जो ये मैं क्योंकि कमांड करा रहा हूँ, ये आपकी हेल्पिंग कमांड होती है किसी भी ड्राइंग को अच्छी करने के लिए, इस तरह से अच्छा इफेक्टिवली ऑटोकैड को यूज करने के लिए जो कमांड होती है वो है ये जो मैं ये नीचे से करा रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ से 3D टूल्स करेंगे, 3D टूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी करेंगे, लेकिन बेसिक वाली करेंगे, ज़्यादा एडवांस लेवल के 3D इसमें नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उसके लिए फिर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है 3D के लिए। तो इसमें हम बेसिक 3D जो है वो आराम से कर सकते हैं, एडवांस में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफी है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके ठीक है, फिर अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो, किसी को किसी दिक्कत आई हो पुराने में, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, मैं ये वाला डाल दूंगा आज, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज, ठीक है, जिसने किसी ने नहीं भी किया है वो, कोई जो नहीं है ग्रुप में अभी आज नहीं लगा पाए क्लास, उनके लिए भी। ओके ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ तो मीटिंग को। हाँ जी बोलो सर, मैंने पूछना था सर, इसमें 3D भी के 2D ज्यादा यूज होती है ऑटोकैड में? ऑटोकैड की बेसिक वैसे 2D ज्यादा यूज होती है, क्योंकि जो भी आपकी फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो 2D पे ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप 3D मॉडल को आप किसी भी मशीन वाले के पास नहीं भेज सकते हो, क्योंकि 3D मॉडल के ऊपर मशीन वाला नहीं करता, उसको ड्राइंग 2D में ही चाहिए होती है। तो ऑटोकैड से अच्छा टूल कोई नहीं है अगर आप 2D ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं कि ऑटोकैड 2D के लिए ड्राफ्टिंग या ड्राइंग के लिए 2D ही यूज करती हैं। अगर उन्होंने बड़ी ज्यादा कुछ, जैसे CTR लुधियाना की भी अगर मैं बात करूँ, तो उसमें कई डिजाइनर रहते हैं, वो अभी कुछ ड्राइंग्स हैं वो 2D में उसी में बनाते हैं ऑटोकैड में। 3D में क्या है, जो जैसे मोल्ड वगैरह बनाते हैं उसमें ज्यादा करते हैं वो 3D, और बाकी आपका ऑटोकैड में ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो 2D ड्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है ऑटोकैड, जो भी हमने 2D करनी है। 3D में भी अब काफी कुछ इन्होंने सुधार कर दिया है, लेकिन हम उतने इफेक्टिव लेवल तक नहीं जा पाए हैं ऑटोकैड में। उसके लिए ऑटोडेस्क का एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है इन्वेंटर, तो उसमें उन्होंने 3D बहुत अच्छे से दे रखी है, तो वो उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसीलिए ऑटोकैड में पूरी 3D वो देते नहीं है कभी पूरी अच्छे से, मतलब। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर कर रहा हूँ मैं, अब मीटिंग एंड करता हूँ मैं। ओके, शेयरिंग बंद कर।